महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर में दूसरे चरण में आने वाले 26 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके तहत नांदेड़ लोकसभा मतदार संघ के उम्मीदवार प्रताप राव पाटिल चिखलीकर इनकी जाहिर सभा देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी आज नांदेड़ शहर में आए हुए थे। जैसे कि आप देख सकते हैं, नांदेड़ का हम लाइव टेलीकास्ट करके आपको बता रहे हैं कि प्रताप राव पाटिल चिखलीकर इनके प्रचार के लिए आज देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी इनकी बड़ी सभा यहां पर एक मुनाकिद की गई थी, जिसके तहत कई लोगों ने यहां पर मोदी जी के भाषण की सुनने के लिए यहां पर जमे हुए थे। जैसा कि देख सकते हैं, देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने आज कांग्रेस के ऊपर टीका टिप्पणी की है। जैसे कि उन्होंने किए हुए 10 सालों के अंदर, जैसा कि राम मंदिर का मुद्दा, 370 कलम, जैसे उन्होंने आते साथी इन कामों को अपनाया था। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम नांदेड़ से आपको लाइव टेलीकास्ट करके बता रहे हैं, दूसरे चरण के मतदान सांसद नांदेड़ जिले के प्रताप राव पाटिल चिखलीकर इनके होने जा रहे हैं। जैसे कि आने वाले चुनाव में देखेंगे कि जनता इन्हें अपने उम्मीदवारों को क्या जिताती है या जनता किन्हें लाती है, ये देखना जरूरी है। मोदी का प्रणाम पहुंचाना, प्रणाम पहुंचाएंगे, हर घर में पहुंचाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपकी बार, आपकी बार, आपकी बार, आपकी बार। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी की सभा में यहाँ पर बहुत सारे हमारे मिल चुके, क्या कहेंगे मोदी साहब के बारे में? आज की सरकार, मोदी सरकार, पंताचा विषय आला आणि सर्वात जास्त म्हणजे आजची जी सभा होती नांदेड शहरामध्ये, अभूतपूर्व सभा होती। ह्याच्या अगोदर एवढी मोठी सभा कधी झाली नाही आणि ह्याच्यानंतर कधी होईल अशी वाटत नाही। त्यामुळे अबकी बार 405 जो भाजपा जाणार आहे तो पूर्णत्वास मोदी साहेबांच्या सभेमध्ये आले आहेत। काय सांगणार, काय नाव? माझं नाव शिवानी भिसे आहे, मी नांदेड मधूनच आहे, शिडकोहून। बरोबर, या सभेमध्ये आज मोदी साहेबांचे काय तुम्हाला वक्तव्य आवडलं? आम्हाला हे आवडलं की गडे खड्डे भरून काढले आणि खूप चांगलं वाटलं भाषण ऐकून। असं वाटलं की गडे ओट आताच देऊन टाकावे, चांगलं वाटलं ऐकून। नायगाव विधानसभेचे आमदार आदरणीय राज्याचे संभाजी पाटील पवार आणि आमच्या नेत्या राजेशजी पवार आमदार साहेबांच्या सौभाग्यवती पूनमताई पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही काम करत आहोत आणि त्यांच्या नेतृत्वामध्ये आम्हाला काम करण्याची संधी भेटली, त्यामुळे आम्ही त्यांचे खूप आभारी आहोत। आणि ह्या देशाचे पंतप्रधान, लोकप्रिय पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेब यांच्या ह्या विकासाच्या कामामुळे आमच्या आपल्या देशातील, भारतातील प्रत्येक महिला ही खूप आनंदी आहे आणि उत्साही आहे। आज 70 वर्षांमध्ये जे काम झालेलं नाही ते आदरणीय मोदी साहेबांनी करून दाखवलेलं आहे आणि त्यांचा मला अभिमान आहे। आज मी भारतीय जनता पक्षाची एक कार्यरत महिला आहे, त्याचा मला सार्थ अभिमान आहे। धन्यवाद। भूपेंद्र मोरे आहेत, काय सांगाल की आज आपकी बार 405 नारा इथे देण्यात येत आहे? हो, ते एकदम बरोबरच आहे। मी आपल्या मार्फत आहे ना सुजान मतदारांना एवढंच आवाहन करू शकतो की आपल्याला जिल्हा परिषद ग्रामपंचायतची ही निवडणूक नसून ही आपल्या देशाच्या संरक्षणासाठीची निवडणूक आहे, त्याच्यासाठी आपल्याला मोदीचे हात बळकट करायचे। आणि आपल्या मार्फत मी मराठा समाजालाही एकच आवाहन करू शकतो की आपल्याला आहे ना देश सुरक्षित राहिला तर आरक्षण महत्त्वाचं आहे, म्हणजे सर सलामत तो पगडी 50। त्याच्यामुळं मी सुजान मतदारांना एकच आवाहन करतो की आपण येणाऱ्या 26 तारखेला कमळ या चिन्हावरील चिखलीकर साहेबांना भरघोस मताने विजयी करावा। सभा में आज आए वाले कहाँ से आए वाले? हम नांदेड़ से ही आए, सराफे से। जो जो जन्ने मुन्ने वो लड़के लग रहे आज, उन्हें तो बहुत सुंदर दिख रहे हैं। हाँ, सीताराम, ये झांकी खास मोदी जी के लिए भेंट है हमारी तरफ से, हमारे लिए ऐसा है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं बीजेपी लाएंगे,
बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा हमें तो लगा साक्षात राम जी का दर्शन हुआ है आज। बहुत ही अच्छा लगा, साक्षात राम जी आए हैं। जय हो भारत माता की जय, जय श्री राम। नायगाव महिला मोर्चा भाजपा नायगाव शहर अध्यक्ष आहे मी। आज जी नांदेड मध्ये सभा झालेली आहे आदरणीय मोदी साहेबांची, खूप मोठ्या संख्येने इथे जनता उपस्थित होती आणि सर्वांच्या मनामध्ये मोदी साहेबच आहेत, फक्त आणि फक्त मोदी साहेब। आणि आम्ही तिसऱ्यांदा आता पंतप्रधान म्हणून मोदी साहेबांनाच पाहणार आहोत। आणि आमचा हा संकल्प आहे, ज्याप्रमाणे मोदी साहेबांनी संकल्प केलेला आहे भारताला विकसित करण्याचा, आणि आम्हा सगळ्या महिलांची, सर्व महिलांची, भारतीयांची, सर्वांचीच अशी मते आहेत की मोदी साहेबच तिसऱ्यांदा पंतप्रधान म्हणून निवडून यावेत। आणि आजच्या सभेमध्ये जेवढी लोकसंख्या उपस्थित होती त्या सर्वांच्याही मनामध्ये मोदी साहेबच आहेत। आणि आदरणीय खासदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांनीच खासदार म्हणून निवडून येतील। आणि ज्या संख्येने इथे संख्या उपस्थित होती आपने देखा है, वो लोकसभा का चुनाव छोड़ करके राज्यसभा के रास्ते से अंदर जाके बैठ गए हैं, चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं रही है जी। हालात ये है, इंडिया अलायंस वालों को इस चुनाव में लड़ने के लिए उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे हैं। ज्यादातर सीटों पर इनके नेता प्रचार ही नहीं करने जा रहे हैं। और आप जानकर के हैरान हो जाएंगे, इस देश की करीब करीब 25% सीटें ऐसी हैं, 25% जहां ये इंडी अलायंस के लोग अंदर अंदर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब वो किस प्रकार की बातें करते हैं जी, कोई कल्पना कर सकता है? चलो भाई एकाध दो में गड़बड़ हो जाए वो तो समझ सकते हैं, 25% सीटें ऐसी है इस देश के लोकसभा की जिसमें ये जो अपने आप का गठबंधन का क्लेम करते हैं वो आपस में डालने की बातें कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। क्या ऐसे लोगों पर भरोसा कर सकते हैं? क्या ऐसे लोगों पर भरोसा कर सकते हैं? जो अंदर अंदर भरोसा नहीं कर सकते हैं उस पर आप भरोसा कर सकते हैं क्या? देश भरोसा कर सकता है? जो आज साथ होने के बाद भी 25% सीटों पर लड़ते हैं, तो अगर उनको थोड़ी सीटें पार्लियामेंट में मिल गई तो अंदर भी वो तूफान करेंगे। और इसलिए इस चुनाव में इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है भाई। और देखिए कांग्रेस के जो शहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनके अलायंस के साथी भी एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। कल आपने उनके एक साथी